अस्सलामुअलैकुम भाई, जो भी हमारी ये माशाल्लाह 15वीं मीटिंग है और सभी इसमें हमारे समाज के लोग हिस्सा ले रहे हैं और मेहनत चल रही है, करीब एक महीना हो गया और हमें भी सबको साथ देना होगा इसमें। जैसे कि भाई चुप हो जाओ सभी, भैया साइड में बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ। अब जैसे कि रोक के हिसाब से चल रही है, अगर जो हम किसी का लड़का देखने के लिए जा रहे हैं तो बिचौलिया से कहते हैं कि भाई हम घर पे ही जाएंगे, पहले बाहर से बाहर लड़के पे नज़र मार ले, फालतू तो खर्च किसी का ना कराए। लड़का अगर हमारी समझ में आ रहा है तो बेटी वाले से बोल दे कि भाई हमारा लड़का समझ में आ रहा है, बिचौलिया उनसे बात कर लेंगे और लड़की को फिर वो बाहर से बाहर दिखा दे, उसके बाद में कोई कदम उठाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात कोई अभी मशवरे में आई नहीं और पहले ही लड़की वाले घर पहुँच जाते हैं कि भाई लड़का देखने के लिए आए, वो इंतजाम कर देता है 20-30 हज़ार रुपये नहीं उठ जाते, पता भी नहीं चलता। और जैसे भी ये रोक का इंतजाम शुरू होगा, किसी को रोक करने के लिए जानी है तो मालिक के घर पे ही जाए और अपने जो परिवार के लोग हैं घर कुटुंब को उन्हें ही लेके जाए, फालतू लोगों को ना लेके जाए। ये मेरी अपनी राय है, ये नहीं है कि फैसला है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, अपनी राय है मेरी। लड़की को हमें चूड़ी पहनवानी है, कहीं होटल में ना जाए, अपने घर पर ही बुलाए, उसके जो करीबी 10-5 आदमी हैं परिवार के उनको लेकर जाए। लड़की समझ में आ रही है उसमें एक अंगूठी बनाए सिर्फ, मेरी अपनी एक राय है, ना तो कोई गले का सेट बनाए ना कंगन बनाए, सिर्फ एक अंगूठी निशानी के तौर पर। उसमें लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये अपनी तरफ से दे दें, ज़रूरी नहीं कि भाई 1,11,000 दे या 20,000 ऊपर से रख के दे, चलते टाइम मिलाई यह है ज़्यादा से ज़्यादा बस 100 रुपये की मिलाई हो, रोक से लेकर लास्ट तक सारे समझियों की हुई या लड़कियों को बेटों किसी को भी देना है, छोटी शादी हो या बड़ी शादी हो। ये मेरी अपनी एक राय है कि इसमें 100 रुपये की हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम कहीं शादी में जा रहे हैं, हमारा समधी मिल गया, 10 आदमी और साथ में जेब में पड़े हमारे 2,000 रुपये, पता चल रहा है 500-500 सबने मिलाई कर दी शुरू में ही, लास्ट में वहाँ 5,000 रुपये मिला के देने पड़ रहे, तो हम शादी में नहीं जाते यार, वहाँ जाएंगे तो समधी मिल गया तो मिलाई करनी पड़ेगी। तो ये बोझ जो हमारे सर पर है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम कहीं समधी मिल रहा है हमारा, कहीं मिलाई करनी पड़ेगी तो वो एक बहुत हल्का होगा हमारे लिए, कोई वो नहीं होगी जिम्मेदारी कि यार हमें ये मिलाई ज़रूरी करनी है। 100 रुपये की मिलाई कोई ज़्यादा मिलाई नहीं है। जैसे कि खाने का इंतजाम रखा था, खाना एक होना चाहिए माशाल्लाह बढ़िया है, कोई बकरे का दे या कटड़े का दे या मुर्गे का दे। मेरी अपनी एक राय इसमें यह है कि खाने के साथ साथ जो स्टॉल वगैरह है वे स्टॉल भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चाट पकौड़ी जो है इसमें बच्चे वगैरह है, जैसे चाउमीन हो गई, गोलगप्पे हो गए, टिक्की हो गई, कुछ हमारे मुसलमान भाई भी ऐसे जो गोश्त नहीं खाते वो अपना उसमें चाट पकौड़े में पेट भर सकते हैं। कुछ गैर मुस्लिम भी हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं तो वो भी चाट पकौड़े खाकर अपना पेट भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे प्रोग्राम में से भूखे जाए। ये आने वाले जो इस टाइम विदा हो जाएगी, विदा के बाद में झूठ करने हम जा रहे हैं, मालिक के साथ में है वो अपने साथ में 100 आदमी लेके जाओ या 50 आदमी लेके जाए, ये लड़के वाले पे बोझ नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी साथ में 100 आदमी आए ना तुम खाना स्पेशल में खिलवाओ, नहीं, जो भी अगर साथ में जा रहे हैं उनको सबको जैसे सब खाना खा रहे हैं उनके साथ में वो भी खाना खाए, दस्तियारी का वो मैटर ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं किसी को नाश्ता देना पड़ रहा है कि भाई उसके साथ में आए कि पहले नाश्ता दो, ये घर पर भी काम नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी एक राय है। जैसे कि ये नहीं कि भाई होटल में नहीं जा रहे वो अगले दिन दस्तियारी करने घर पर जा रहा है, वो काम भी नहीं होना चाहिए, मेरे अध्यक्ष जी से ये राय है, अगर उसमें मशवरे में बात आ जाए तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। दस्तियारी बिल्कुल ख़त्म, उधर उसका झूठ भी ख़त्म हो रही है, दस्तियारी भी ख़त्म हो रही है। एक राय और है इसमें, जैसे कि शादियों से फारिग हो जाते हैं और माशाल्लाह शादीशुदा हो जाती है बेटी है, बाद में अल्लाह खुशी देता है, साल दो साल बाद उसमें एक बोझ और हो जाता है, बेटे वाला जा रहा जी भेली लेके, कितने 151 डब्बे लेके जा रहा है, 151 टोकरी लेके जा रहा है, 151 ड्राई फ्रूट के और चल गई, 5-4 लाख रुपए का अड़ंगा लेकर चला जाता है, लड़की वाले का किसी काम का नहीं होता, वो उसको 8 दिन तक और बांटता और फिरता है, टूटी लग जाए उसकी जगह जगह बांटना उस सामान को, लड़के वाले के पैसे खर्च हो गए, लड़की वाले पे वो फर्ज वाजिब हो गया कि भाई इतने रुपये खर्च करके आया अब तो ये छूचक में क्या देना, अब वो छूचक में जेवर देवे या उसे कैश देवे या सामान लेके जावे। अब जब 5 लाख रुपये का सामान छूचक में भेली में दिया आया तो 5 लाख रुपये तो कम से कम उसे कैश में देने चाहिए और जेवर अलग देगा, सामान भी हो गए तो उस पर करीब 10-15 लाख रुपए का यो एस्टीमेट बन गया थे 10-15 लाख रुपए खर्च करने, वो ना तो जेवर दे सकता अपनी बेटी को ना कुछ दे सकता, बिना वो सामान लेके जाएगा और पैसे देगा, तो ये काम भी खत्म होना चाहिए। मेरे एक राय अध्यक्ष जी से इस चीज़ पर गौर दे,
छूचक तक पे भी। मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बोलने पे कोई गुस्ताखी होगी तो मैं माफी चाहता हूँ भाई।